नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सनी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। डीएस न्यूज की खास बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैतपुर बाराबंकी थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पाटमऊ में वन विभाग की मिली भगत से वन माफियाओं ने हरे भरे 5 शीशम के पेड़ काट डाले। बताते चले कि पेड़ पाटमऊ गांव के ही एक परिवार के बताए गए हैं। बता दें कि वन माफिया रियाज अहमद पुत्र वली मोहम्मद मुशर्रफ सादाब अहमद सुयब तजम्मल हुसैन ने गांव की ही पराग डेरी पाटमऊ थाना जैतपुर बाराबंकी में उक्त लोगों ने 5 शीशम के पेड़ काट कर रख लिए हैं। पीड़ित ने डीएफओ से इसकी शिकायत की है। देखने वाली बात यह है कि क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है बाराबंकी जनपद से। भारतीय किसान महासंघ अवध प्रांत की महिला संघ प्रमुख रामलाल पटेल ने अपने संगठन के कई पदाधिकारियों के साथ नवागत आरटीओ अंकिता शुक्ला का स्वागत किया और फूलमाला प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर मिथिलेश गुप्ता, भारतीय जीवन बीमा निगम एजेंट हातिम रिजवी, आकाश कुमार, छाया वर्मा, सुमन यादव, नंद कुमार वर्मा, अमरनाथ पाल, शिवम पटेल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये थी डीएस न्यूज के लिए स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। यार दिखाइए, ये 4 पेड़ टेस्ट के जो है लाइन लगे थे, काटे गए थे। इन्हीं की आड़ में इसी जो है करीब 10 मीटर दूरी पर जो है ये आम का पेड़ भी काटा गया है। और इधर दिखाते हैं मंदिर है, पूरा छोटे मंदिर है, ये मंदिर दिखाएं। मंदिर के बगल में जो है ये थोड़ी जो है करीब 100 मीटर दूरी मंदिर के जो है ये पेड़ काटा गया है। यहीं पर मेला लगता है, करबुल्लापुर का विशाल मेला लगता है और यहाँ पर काटा गया है। जबकि सरकार की मंशा है कि वन ज़्यादा से लगाए जिससे कि प्रदूषण ठीक हो, कंट्रोल हो और बरसात भी हो, पानी की किल्लत ना हो। इस वक्त मौसम बहुत ही गर्मी पकड़े हुए है, पानी के लिए लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि पानी की पूर्ति कैसे होगी। जब वन कट जाएंगे, फलदार पेड़ कट जाएंगे तो धरती वीरान हो जाएगी, पानी की समस्या तो पैदा ही होगी। इसलिए सरकार को जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों पर अंकुश लगाएं कि जो है हरे भरे पेड़ कटने ना पाएं। अब देखना यही है, मैं अधिकारियों से भी बात करूंगा कि इस मामले को क्या संज्ञान लेते, क्या कार्रवाई होती है और ऐसी कार्रवाई करें जिससे कि जो है ये भूमाफिया जो अवैध वन माफिया इनके ऊपर अंकुश लग सके और जो इस तरीके से जो है ना काटें। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार वर्मा, कैरोपर सर शेख कुमार के साथ डीएस न्यूज बाराबंकी।